नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा था दोस्तों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपने बेसिक क्वेश्चन तो पढ़ लिए थे, जोड़ घटाना। अब हम आज की क्लास में आपको दोस्तों बताने वाले हैं विभाज्यता के नियम। किसी संख्या को किस प्रकार से इजीली विभाजित किया जा सकता है, इसके कुछ नियम होते हैं। किसी भी संख्या को विभक्त करने के लिए कुछ नियम होते हैं, आज हम वो नियम आपको पढ़ेंगे। इनको बोलते हैं हम विभाज्यता के नियम। किसी भी संख्या को विभक्त करने के लिए हम कुछ नियम बताएंगे, उसको आपको ध्यान से देखना है और एक दो बार आपको उसके लिए प्रैक्टिस भी करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, किसी भी संख्या को विभक्त करने के लिए हमें कुछ नियम को आवश्यकता पड़ती है, वो नियम अपने को याद होना चाहिए। जैसे भी कोई संख्या के लिए भाग करने के लिए बोलेगा तो उस नियम के द्वारा अपन उसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला नियम आता है दोस्तों, दो से विभक्त होने वाली संख्या। पहला नियम आएगा दो से विभक्त होने वाली संख्या दो से विभक्त होने वाली संख्या है। दो से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम यानी क्या होता है दोस्तों, दो से ऐसी संख्या विभक्त होती है जिनके इकाई का अंक क्या हो, लास्ट में दो हो या जीरो हो। ऐसी संख्या है जिनके इकाई का अंक क्या हो, जीरो। वे संख्या है, वे संख्या है, वे संख्या जिनके जिनके इकाई का अंक जिनके इकाई का अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ। वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक जीरो, दो, चार, आठ, छः, आठ, ये चार संख्याएं होती है, पांच नंबर में से कोई भी एक संख्या अगर से इनका इकाई का अंक क्या हो, जीरो, दो, चार, छः, आठ, ये आता है इकाई के अंक में, तो वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ हो, ऐसी संख्या है ऐसी संख्या दो से विभक्त हो जाती है, दो विभक्त होती है होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे अपन, 6230 दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा अपना, 672 688। देखिए दोस्तों, इसके इकाई का अंक क्या है, जीरो है, दो है और आठ है। और अपनी डेफिनेशन क्या बोलती है, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ हो, ऐसी संख्याएं दो से विभक्त होती है। इसका भी इकाई का अंक दो है, जीरो है, इसका दो है, इसका आठ है, तो ये तीनों संख्या क्या हो जाएगी, दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर से मान के चलो अपन कोई संख्या लिखते हैं 633, ये संख्या कभी भी दो से विभक्त नहीं होती क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है दोस्तों, तीन है। और अपना नियम क्या बोल रहा है, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ हो, ऐसी संख्याएं दो से विभक्त होती है। इन तीनों में तो है, जीरो है, दो है, आठ है, बट इसमें नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी, दो से विभक्त नहीं हो पाएगी। इसलिए ये क्या होती है, ये संख्या दो से विभक्त नहीं हो पाएगी। आ गया दोस्तों ये नियम समझ में, दो से विभाज्यता का नियम। इसके बाद चलते दोस्तों अपन तीन से विभाज्यता का नियम। इसके बाद अपन देख लेंगे
तीन से कौन कौन सी संख्या विभक्त होती है, कैसी संख्या विभक्ति होती है वो देख लेंगे। तो तीन से विभक्त होने वाला नियम क्या होता है? तीन से विभक्त होने वाला नियम, वे संख्याएं, तीन ऐसी संख्याएं, वे संख्या तीन से तब विभक्त होती है जब उनके अंकों का योग, कि कोई संख्या है अपने पास, उनके अंकों का योग क्या हो? उनके अंकों का योग तीन से विभक्त होना चाहिए। वो संख्या क्या कर लेते हैं? वो संख्या होती है तीन से विभक्त। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग तीन से तीन से पूर्णतः विभक्त हो, वे संख्या है, वे संख्या तीन से विभक्त हो जाएगी, तीन से विभक्त हो जाएगी। ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभक्त हो, वे संख्याएं तीन से विभक्त हो जाएगी। तो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं अपन, क्या होता है। जैसे एग्जांपल, सत्तासी, छप्पन, चार, छप्पन, चार। अब क्या बोल रहा है अपना नियम? ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभक्त हो, इनके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए बताएं। यानी 8 + 7 + 5 + 6 + 4, इनके अंकों का योग कितना हो रहा है? 8 × 7 = 15, 15 = 20, 20 और ये 10, टोटल कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। ये इनके अंकों का योग तीन से विभक्त हो रहा है, तो ये संख्या, ये वाली पूरी संख्या क्या हो जाएगी? तीन से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी, क्योंकि इनके अंकों का योग क्या हो रहा है? तीन से पूर्ण तरह विभक्त हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? तीन से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। इसमें तीन का भाग देख के देखेंगे अपन, होता है कि नहीं, तो चेक करने के लिए, तीन तीन दुनी छः, बचा कितना? 2 × 3 = 27, 3 × 27 या कितना है? 5 × 5 = 3, बचा कितना? 2 × 3 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, और यहाँ और कितना बचा? 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 × 8 = 24। हो रही दोस्तों, आ गया अपना नियम। तो ये क्या हो जाती है? तीन से विभक्त होने का नियम। कोई भी संख्या तीन से कब विभक्त होती है? जब उनके अंकों का योग तीन से विभक्त होता है, वह संख्या क्या कहलाती है? तीन से विभक्त हो जाती है। अब हम कोई दूसरी संख्या देखते हैं अपन, दूसरी संख्या ले लेते हैं अपन। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी अपने पास? 1, 2, 3, 4। ये संख्या तीन से विभक्त हो जाएगी क्या? तीन से विभक्त होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके अंकों का योग क्या है? 1, 1 और 2, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। 10 तो आ रहा है, बट ये 10 तीन से विभक्त हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? तीन से विभक्त नहीं होगी, क्योंकि अपना नियम क्या बोलता है? तीन से वही संख्या विभक्त हो सकती है जब इनके अंकों का योग क्या हो? तीन से विभक्त हो। बट ये 10 आ रहा है, 10 तो आता ही नहीं तीन के पहाड़े में, तीन एक तीन, तीन तीन छः, तीन तीन नौ, नौ के बाद 12 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगी? ये संख्या तीन से विभक्त नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अपन, चार से विभक्त होने का नियम। इसके बाद आ जाएगा अपना चार से विभक्त करने का नियम।
नियम नंबर अपने एक कौन सा हो जाएगा, तीसरा, चार से विभक्त होने का नियम। चार से कौन कौन सी संख्या विभक्त हो सकती है इसकी भी एक डेफिनेशन होती है। चार से वही संख्या विभक्त होती है जब उनके दहाई और इकाई के अंकों का यो अंक जो एक दहाई और इकाई से बनी हुई संख्या अगर से उसमें चार का पूरी तरह से भाग जाता है, दहाई और इकाई से जो संख्या बनती है अगर से, ये जब दहाई और इकाई की संख्या बन जाएगी उसमें अगर से चार का भाग जाएगा तो कितनी भी बड़ी संख्या रहे वो चार से विभक्त होगी। डेफिनेशन देख लेते हैं अपन क्या होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनके ऐसी संख्याएं जिनके दहाई और इकाई दहाई और इकाई से बनी संख्या संख्या बनी संख्या में चार का पूरी तरह से भाग चले जाते हैं। पूर्ण तरह भाग जाता हो वे संख्या है, वे संख्या चार से पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। पूर्णतः विभक्त हो जाएगी क्या बोल रहा है दोस्तों नियम अपना, चार से विभक्त होने वाला नियम क्या बोल रहा है। ऐसी संख्याएं जिनके दहाई और इकाई से बनी संख्या में इकाई और दहाई से बनी संख्या में चार का पूर्णतः भाग जाता हो तब वे संख्या क्या कहलाती है, तब वे संख्या चार से पूर्णतः विभक्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं अपन, एग्जाम्पल क्या बन जाएगा इसका, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 64 82 54 क्या बोल रहा है नियम, इकाई दहाई और इकाई ये दो दो संख्याएं बनी हैं तो ये 54 में भाग देके देखते हैं, ये 54 में भाग देके देखेंगे चार का तो चार एक चार बचा कितना, एक चार त्रि 12, बट पूरी तरह से भाग जा रहा है क्या, पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है इसलिए यह संख्या क्या होगी, चार से विभक्त नहीं होगी। चार से विभक्त होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि इसमें चार का भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं तो ये क्या होगी, चार से पूर्णतः विभक्त नहीं हो पाएगी। एग्जांपल दूसरा, एग्जांपल दूसरा 8884। अब ये संख्या है अपने पास, ये संख्या के दहाई तक के क्या है 8 और इकाई का अंक क्या है 4, इसमें अपन 4 का भाग देंगे दोस्तों तो 8 में 4 का भाग देंगे कितना हो गया 2 हो जाएगा, 2 और अपने पास बचा कितना, अब 4 में 4 का भाग देंगे 21, ये संख्या क्या होगी 4 से पूरी तरह से विभक्त होगी। इसके लिए आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इसके लिए इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा विभाज्यता के नियम से, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं
निम्न में से कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभक्त होती है, विभक्त होती है। अपने पास ऑप्शन दे देगा दोस्तों, ये में क्या दे देगा, 8 8 4 4 8। दूसरा ऑप्शन दे देगा बी, 8 8 4 5 4 5 8। फिर सी दे देगा 8 9 4 3 8। और डी दे देगा 8 5 5 5 4। ये आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें आपको पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्याएं है जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। अपने को अब 4 का भाग दे देंगे, इसमें तो अपने को टाइम लग जाएगा, इसमें भाग देते रहेंगे, अपना आंसर आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, ये अगर से नियम आपको पता रहेगा 4 से विभक्त होने का नियम, तो इससे आप आसानी से ऑप्शन देख के उसको आप क्वेश्चन में एग्ज़ाम पेपर में आप डायरेक्टली टिक लगा सकते हैं। जैसे देखिए अपना नियम क्या था, ऐसी संख्याएं 4 से तभी विभक्त होती है जब उनके दहाई और इकाई के से बनी संख्या क्या हो, 4 से पूर्णतः विभक्त हो। ये संख्या है 4 8, 4 से पूरी तरह विभक्त हो रही है क्या, 1 और ये 2, ये तो हो रही है डेफिनेटली, है कि यही आंसर आ जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं। 98 98 4 का भाग देख के देखेंगे कितना है, 1 और 4 4 16 4 4 16 पूरी तरह से नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा। 38 38 में 4 का भाग देंगे, ये भी नहीं होगा, 54 में भी नहीं होगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है नंबर सिस्टम विभाज्यता के नियम में, ज़्यादा कोई टफली क्वेश्चन नहीं उठाता है, इसलिए आपको ये नियम नियम को 2 या 3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इसलिए विभाज्यता के नियम आपको याद होना चाहिए। सेकंड नियम देखते हैं दोस्तों, अपन अभी क्या पढ़े थे, अपन ने 4 से विभक्त होने वाले नियम, 4 से विभक्त होने वाले नियम, इसके बाद देखेंगे अपन 5 से कौन कौन सी संख्या विभक्त होती है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 5 से विभक्त होती है, 5 से विभक्त होने वाली संख्या, 5 से विभक्त होने वाली संख्या वे संख्या होती है दोस्तों जिनके अंक का इकाई अंक क्या हो, 5 हो या 0 हो, वो ही संख्या क्या होती है, 5 से विभक्त होगी। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या क्या हो, 5 हो, वे संख्या क्या कहलाती है, 5 से विभक्त होती है। डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों अपन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है, 5 से विभक्त होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, जिनके इकाई का अंक 0 हो और क्या हो, 5 हो, वे संख्या क्या कहलाती है, 5 से विभक्त होती है। ऐसी संख्याएं जिनके जिनके इकाई का अंक 5 5 और 0 हो, वे संख्याएं पाँच से पूर्णतः विभक्त होती है, विभक्त होती है, विभक्त होती है। अब इसके लिए अपन एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या होता है, जैसे मान के चलो 50 50 50 55 25 30
25, 35 और 25, 22, 22, 22, 22। ये चार और पांच ऑप्शन हैं, इसमें से क्या बोल रहा है अपना, ऐसी संख्या है जिनके इकाई का अंक 5 हो और क्या हो, 0 हो, वे ही संख्या क्या होती है, 5 से पूर्णतः विभक्त होती है, ये हो रही है क्योंकि 0 है इकाई का अंक, इसमें 5 है, 5 है, 0 है, ये 4 हो जाएगी 5 से विभक्त, बट ये वाली जो संख्या है 22, 22, 22, 22, ये संख्या है 5 से विभक्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये संख्या विभक्त, क्योंकि इसके इसके जो इकाई का अंक है क्या है, 2 है, और अपना नियम क्या कहता है, जिस किसी भी संख्या के इकाई में 5 हो या 0 हो, वह संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या होती है 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसके बाद अपन नेक्स्ट नेक्स्ट को नियम पढ़ेंगे क्या होता है, 6 से विभक्त होने वाला नियम। ये नियम आपने एक बार, दो बार या तीन बार प्रैक्टिस कर लिए तो आपको समझ लेना कि एक या दो क्वेश्चन आपके डेफिनेटली है कि एग्ज़ाम में बन ही जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे एमपी की हो, सेंट्रल हो, यूपी की हो, बिहार की हो, एक या दो क्वेश्चन उठाता है, और बहुत ईजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके लिए देखते हैं नियम नंबर 5, 6 से विभाज्यता का नियम। अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कौन कौन सी संख्या हो सकती है दोस्तों 6 से विभक्त, कौन कौन सी हो सकती है अपने को तो पता नहीं है, कितनी बड़ी संख्या दे सकता है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए 6 से वे संख्या विभक्त होती है, 6 से वे ही संख्या विभक्त होती है जब किसी संख्या में को विभक्त करने के लिए 2 और 3 का जो नियम होता है वही नियम फॉलो होता है, काहे के लिए, 6 से विभक्त होने के लिए, 6 से विभक्त करने के लिए, यानी 6 से वही संख्या विभक्त होगी जब उसमें 2 और 3 का नियम काम करेगा। तो इसके लिए डेफिनेशन देख लेते हैं अपन, क्या बोलती है डेफिनेशन, तो 6 से विभक्त का नियम, ऐसी संख्या जिनको विभक्त करने के लिए क्या हो, 2 और 3 का नियम का यूज़ किया गया हो, ऐसी संख्याएं जिनको विभक्त करने के लिए जिनको विभक्त करने के लिए जिनको विभक्त करने के लिए 2 और 3 के नियम का प्रयोग किया हो वे संख्या है वे संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी, विभक्त होगी। क्या बोल रहा है, ऐसी संख्या जिनको विभक्त करने के लिए 2 और 3 के नियम का प्रयोग किया जाता है वे संख्या क्या होती है, 6 से पूर्णतः विभक्त होती है, यानी टोटल मिला के 6 से विभक्त वही संख्या होती है जिनके लिए हम 3 और 2 के नियम का प्रयोग करेंगे, दोनों को साथ में मिला के। एग्जाम्पल देख लेती है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, 10, 47, 6, 10, 47, 6 ये एग्जाम्पल है। अभी इसमें 2 का नियम तो फॉलो हो रहा है, क्योंकि 2 का नियम क्या बोल रहा है, 2 का नियम जिस किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 ऐसा कोई भी एक डिजिट आता है, सम डिजिट आता है, तब वो संख्या क्या होती है, 2 से पूर्णतः विभक्त होती है, 2 का नियम फॉलो हो रहा है। बट अब 3 का नियम देखते हैं, 3 का नियम क्या बोलता है, जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होता है, जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 जब किसी संख्या के
अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभक्त होता है, तीन से पूर्णतः विभक्त होता है तब वे संख्या क्या तीन से विभक्त होती है। दो का तो नियम फॉलो कर रहा है, देख लिया अपने, तीन का फॉलो कर रहा है क्या, तो देखते हैं। 1 + 0 + 4 + 7 + 6 इज इक्वल टू कितना होगा, इनको जोड़ेंगे, 1 और 0 एक, 5 5 7 कितना हो जाएगा, 12 12 और 6 18, ये हो रहा है 18। तीन का भी नियम फॉलो कर रहा है इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, तीन से भी विभक्त हो रही है, दो से भी विभक्त हो रही है, तीन से भी विभक्त हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, वो तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी विभक्त हो जाएगी। भाग दे के देखते हैं, 6 6 = 4, 6 6 = 36, 6 7 = 42, 6 7 = 42 = 2, 6 6 = 24 = 3, 6 6 = 36 हो रही है दोस्तों, 6 से विभक्त हो रही है, यही आंसर आ जाएगा आपका, 6 से विभक्त होने का नियम, 6 से विभक्त न होने का नियम समझ में आया दोस्तों।